हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मिसाइल लॉन्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई लकड़ी का पीस या फिर कार्डबोर्ड का डिब्बा ले सकते हैं और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक हार्ड कॉपर वायर की। उसे दो हिस्सों में काट लेना है और इस तरह से मोड़ करके ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आप कोई भी 9 वोल्ट की बैटरी का यूज कर सकते हैं और ग्लू की हेल्प से इसे भी हम यहां पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो लास्ट तक पूरा देखना। बैटरी कनेक्टर और इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक ऑन ऑफ स्विच की। सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हम वायरिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों, एक छोटी कार का एक व्हील आपने ले लेना है या फिर इसी तरह का कोई और ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं और ग्लू की हेल्प से इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद इस पे फिर से थोड़ा सा ग्लू लगा के हम अपने बटन को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जिससे कि इसको यूज करना आसान हो जाए। बटन अच्छे से काम कर रहा है और इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। यह है खराब सोल्डरिंग आयरन जो कि मेरे पास था। इसे तोड़ करके आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से नाइक्रोम वायर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का सबसे मेन पार्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नाइक्रोम वायर की हीट इंटेंसिटी ज्यादा होती है किसी भी नॉर्मल वायर से। आप चाहे तो हेयर ड्रायर या फिर प्रेस से भी निकाल सकते हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट दिखा देता हूँ। हम इसको कनेक्ट करेंगे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में और आप मैजिक देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल लाल हो जा रहा है हीट की वजह से। देखिए किस तरह से इसने मैस्टिक्स को भी आसानी से जला दिया है। तो इस वायर को हम इनबिल्ट करने वाले हैं अपने इसी प्रोजेक्ट में, इन दो कॉपर वायर्स के आगे वाले हिस्से पे। आप चाहें तो इसे सिंपल भी लपेट सकते हैं या फिर दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को सीजर से कट कर लेना है और हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये अच्छे से पेस्ट हुआ है या नहीं। तो फाइनली ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और दोस्तों, हमें अब जरूरत पड़ेगी मिसाइल्स की, जो कि हम दिवाली पे गन में डाल के यूज करते हैं। इन्हें यहाँ पे फिट कर देना है और हमारी मिसाइल टेस्टिंग के लिए रेडी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।